दोस्तों क्या आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का ननिहाल किस जगह को कहते हैं और माता कौशल्या का जन्म स्थान कौन से हिस्से को कहते हैं भारत के। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन सभी बातों को आपके साथ साझा करेंगे और चलिए हम आपको इस वीडियो में लेके चलते हैं माता कौशल्या की जन्म स्थली चंद्रखुड़ी, जो कि रायपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और इस जगह को माता कौशल्या का जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम भगवान श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या की जन्मभूमि चंद्रखुरी में हैं और ये आप मेरे सामने दिखाई दे रहा है मंदिर, ये माता कौशल्या का मंदिर है। तो चलिए दोस्तों आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हाथ दिखाया गया है पूरा ब्रिज को उठाया हुआ है कौशल्या माता मंदिर जाने के लिए रास्ता है, ये एकमात्र पुल है। तो दोस्तों हम अभी हैं कौशल्या माता मंदिर चंद्रखुरी में। दोस्तों कहते हैं ये श्री राम भगवान की माता कौशल्या माता का जन्म स्थली है और पूरे भारत में एकमात्र मंदिर कौशल्या माता का चंद्रखुरी रायपुर में है। तो देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है। तो और प्राचीन शिव मंदिर ग्राम चंद्रखुरी के बीच देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है। दोस्तों इस मंदिर के चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर तालाब बना हुआ है और बीच में है कौशल्या माता मंदिर। मैं अभी कौशल्या माता मंदिर परिसर के अंदर हूँ और यहाँ पर खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है कौशल्या माता मंदिर धाम और ये है मंदिर कौशल्या माता का। चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको। तो ये है यहाँ पर हवन होता है और ये सामने आप मंदिर दिखाई दे रहे हैं कौशल्या माता का, एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी में। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम कौशल था तो इसे दक्षिण कौशल कहते थे और रामायण काल में इस जगह का नाम दक्षिण कौशल था और यहीं माता कौशल्या का जन्म हुआ था और इसी बोलते हैं माता कौशल्या का जन्म स्थली। दोस्तों ये है ज्योति कक्ष और यहाँ चलिए आपको दिखाते हैं। आप सामने में देख रहे हैं श्री रामचंद्र कौशल्या माता की गोद में बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप सामने में देख रहे हैं यहाँ पर जो कौशल्या माता मंदिर के चारों ओर जो तालाब बना है उसको समुद्र की तरह चित्रण करते हुए यहाँ पर समुद्र मंथन को दिखाया गया है। यहाँ पर देवताओं और असुरों के बीच जो हो रहा समुद्र मंथन का चित्रण एक मूर्ति के रूप में यहाँ पर बीच तालाब में दिखाया गया है।
छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं ग्राम नरधरा के प्रतिष्ठ। देख रहे हो भाई साहब कितना ज्यादा क्लीन है यहाँ का तालाब चंद्रखुरी कौशल्या माता धाम।